अब आपके शहर दमोह में मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट गेहूं का उच्चतम तकनीक विधि से निर्मित लाडली चक्की फ्रेश आटा सात्विक और शुद्धता से परिपूर्ण शकुंतला फ्लोर मिल औद्योगिक क्षेत्र मारुताल दमोह है। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह उपचुनाव के पूर्व दमोह में मंत्रियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह का आज दमोह आगमन हुआ, जहां उन्होंने बताया कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष के साथ दमोह आएंगे, जहां भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के साथ नामांकन जमा करेंगे। वहीं उन्होंने मलैया परिवार के बारे में क्या कहा, राहुल सिंह के पोस्टर वार के संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, दमोह उपचुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा का उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की पहले से तैयारियां चल रही थी और अब चूंकि चुनाव की तारीखें आ गई हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरा जो चुनाव का कैलेंडर है वो तैयार किया है। आज यहां पर जो हमारी विधानसभा की कोर कमेटी की टीम है, उनके साथ बैठक हुई है। हमारी जो चुनाव प्रबंध समिति है, उनके साथ बैठक हुई है। विधानसभा चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी श्री राजेंद्र गुरु जी को चुनाव संचालक बनाया गया है। इसके साथ 30 तारीख को हमारे जो प्रत्याशी हैं राहुल सिंह जी, वो नामांकन करेंगे और उनके नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कार्य की दृष्टि से पूरे विधानसभा को 32 सेक्टरों में हम लोगों ने बांटा है। सभी 32 सेक्टरों के प्रभारी घोषित हो गए हैं, उनके साथ अभी हम लोगों की बैठक है और पूरा आगे के जो हमारे कार्यक्रम है उस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2023 के हिसाब से किस सीट का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी ताकत से लड़ती है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। एक ही माह में भी असंतुष्ट नजर आ रहा है दमोह में, क्या उसके लिए तैयारी? नहीं, कोई असंतुष्ट नहीं है, आप देखेंगे कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा और सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। की ही बात है, पोस्टर लगाया हुआ है जनता से भारी। ये सब साठ टाइम की चीजें हैं। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे तो सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। कोई भी जब निर्णय होता है तो शुरुआत में थोड़ी बहुत विषया होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी सर्वोपरि है, इसलिए पार्टी के निर्णय को सब स्वीकार करते हैं और तो सब लोग मिलकर पार्टी जिताने के लिए काम करेंगे। 2018 में मलेरिया की सुनाई है कि इसी प्रकार की दवाई शुरू हुई थी, मनाने की नहीं मना पाए थी, इस बार वैसी स्थिति तो नहीं, सब मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।